बल्क टूल्स द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न पर 80% करोड़पति सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए बल्क लिस्टिंग के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बल्क लिस्टिंग के तरीके सेलर्स के लिए मददगार हैं क्योंकि इससे आपके ऑर्डर्स पाने के अवसर बढ़ सकते हैं। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की पूरी सूची प्रस्तुत करने से आपके सेल्स के अवसर बढ़ सकते हैं। यह आपके समय की बचत करता है। आप एक से ज्यादा SKUs के लिए आप एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। आपको बार बार एक निश्चित जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। आप बल्क में भी काम कर सकते हैं, यानी आप कम से कम मेहनत में एक के बाद एक अपनी लिस्टिंग्स को FBA में बदल सकते हैं। इससे आप अपनी लिस्टिंग आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप डाटा को किसी भी स्प्रेडशीट फॉर्मेट में अपलोड कर बल्क टूल्स के ऑटो कैटेगराइजेशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कस्टम टेम्पलेट्स द्वारा आसानी से अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को एक सिंगल शीट में भी जोड़ सकते हैं। आप इस प्रक्रिया से अपने अनुसार वेरिएशंस बना सकते हैं और अपलोड की गई फाइल में किसी भी गलती या अनुपलब्ध जानकारी के लिए प्रोसेसिंग रिपोर्ट की जाँच कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल में मौजूद बल्क टूल्स एक्सेल स्प्रेडशीट्स द्वारा आप एक ही बार में कई लिस्टिंग्स को जोड़ सकते हैं। यह स्प्रेडशीट अमेज़न द्वारा बताए गए फॉर्मेट में और आपकी लिस्टिंग की कैटेगरी के आधार पर होनी चाहिए। बल्क टूल्स की मदद से आप अपनी स्प्रेडशीट से कैटलॉग की जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्प्रेडशीट आपके पॉइंट ऑफ सेल या आपके ऑफलाइन स्टोर्स के ERP सिस्टम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप यहां उन स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपने दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स पर प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए इस्तेमाल की हो। बल्क लिस्टिंग टूल्स की सहायता से आप नए एसिन्स बना सकते हैं, पहले से मौजूद एसिन्स में ऑफर्स जोड़ सकते हैं, बल्क में विशेषताएं बदल सकते हैं। जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी में पार्शियल अपडेट्स करना चाहते हों, जैसे कि टाइटल, कीवर्ड्स और साइज में कुछ अपडेट्स करना। बल्क लिस्टिंग से प्रोडक्ट्स जोड़ने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, कस्टम टेम्पलेट्स। ये कई तरह के प्रोडक्ट्स को एक ही शीट में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, प्रिपेयर योर लिस्टिंग टूल। आप अपनी कैटलॉग की जानकारी को दर्शाती हुई किसी भी स्प्रेडशीट को अपलोड कर सकते हैं। इन स्प्रेडशीट्स में दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स और पॉइंट ऑफ सेल्स या ERP सिस्टम से डाउनलोड की गई फाइल शामिल है। यह टूल हेडर्स को इन्वेंट्री टेम्पलेट से मैप करता है और दी गई जानकारी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाता है। तीसरा, लिस्टिंग लोडअप। आप इसकी मदद से केवल अपनी प्रोडक्ट ID, SKU, कंडीशन टाइप, कीमत और मात्रा बताकर पहले से मौजूद एसेंस में ऑफर जोड़ सकते हैं। कृपया ध्यान दें, अगर आपके पास प्रोडक्ट ID नहीं है तो आप मौजूदा एसिन को प्रोडक्ट की पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बल्क टूल्स को इन तरीकों से ढूंढ सकते हैं। कैटलॉग टैब पर जाएं और अपलोड द्वारा प्रोडक्ट जोड़ें पर क्लिक करें। डाउनलोड एंड इन्वेंटरी फाइल टैब पर क्लिक करें और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट के प्रकार को सिलेक्ट करें और कस्टम या एडवांस टेम्पलेट बनाएं। प्रिपेयर योर लिस्टिंग टूल के लिए एड अ प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पेज के दाईं तरफ के हाइपरलिंक टेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ फिर पेज के नीचे जाएं और इन्वेंट्री फाइल्स पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी स्पेसिफिक टेम्पलेट्स को चुनें। लिस्टिंग लोडर टेम्पलेट के लिए नीचे जाकर इन्वेंट्री फाइल्स पर क्लिक करें और लिस्टिंग लोडर को चुनें। और जानकारी के लिए सीखें टैब पर जाएं और सेलर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करें। यहाँ आप हर बल्क ऑप्शन के लिए विस्तार से ट्यूटोरियल देख सकते हैं। हम आपको अगले करोड़पति के रूप में देखने की आशा करते हैं जिन्होंने बल्क टूल्स का इस्तेमाल अमेज़न पर अपना विकास करने के लिए किया है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।